अलीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। और इस बीच खबर देखिए, मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर लेकर जाया जा रहा है। चित्रकूट ये काफिला पहुंचा हुआ है। करवी से होते हुए राजापुर बॉर्डर से काफिला निकला है। राजापुर से कौशाम्बी जाएगा मुख्तार का शव वाहन। और ये लगातार जो काफिला है वो गाजीपुर की तरफ बढ़ता हुआ है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गाजीपुर लेकर ये जो शव वाहन है वो बढ़ता हुआ। और देखिए, कौशाम्बी से प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर ये काफिला पहुंचेगा। फिलहाल गाजीपुर ये जो शव देखिए गाजीपुर जो है वो शव वाहन जो है वो ले जाया जा रहा है। राजापुर से कौशाम्बी जाएगा मुख्तार का शव वाहन। तो पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं किस तरह से ये जो पूरा काफिला है गाजीपुर की तरफ बढ़ रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कौशाम्बी जिले से होते हुए काफिला प्रयागराज जाएगा, और प्रयागराज से वाराणसी, और वाराणसी से गाजीपुर पहुंचेगा ये काफिला। तो फिलहाल करवी से होते हुए राजापुर बॉर्डर से काफिला निकला है। चित्रकूट से खबर सामने आ रही है, राजापुर से कौशाम्बी जाएगा मुख्तार का शव वाहन, और धीरे धीरे ये काफिला गाजीपुर की तरफ बढ़ता हुआ। मुख्तार अंसारी बांदा मेडिकल कॉलेज से गाजीपुर का सफर, और इसको देखिए, ये जो सफर है उसकी शुरुआत हो चुकी है। चित्रकूट पहुंचा हुआ है ये काफिला मुख्तार अंसारी का शव लेकर। मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर ले जाया जा रहा है बांदा से। इस समय मैं मौजूद हूँ कौशाम्बी के कोखराज टोल प्लाजा पर। आप देख सकते हैं कि ये कौशाम्बी का कोखराज जो टोल प्लाजा है, और एक लेन पूरी तरीके से आरक्षित कर दिया गया है। इसी लेन से ही जो शव का काफिला है वो गुजरेगा। पूरी तरीके से आवागमन यहाँ पर बंद कर दिया गया है। हालांकि हम सुरक्षा की बात करें तो पुलिस का जो पिकेट है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। खास करके जितने भी रास्ते में थाने पड़ रहे हैं वो सारे थाना अध्यक्ष उस जो काफिला आएगा वो अपने सीमा से उसको पिकेट करते हुए जहाँ तक उनकी सीमा क्षेत्र है वहां तक वो ले जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा थाना पड़ता है वहां के थाना अध्यक्ष उस काफिले को पिकेट करके अपने सीमा के बाहर कराएंगे। इस तरह 145 किलोमीटर की दूरी बांदा से और कोखराज प्लाजा की है, और अब उससे थोड़ी देर बाद ही मुख्तार अंसारी का जो शव का काफिला है वो इधर से गुजरेगा। कैमरामैन सचिन के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। तो देखिए किस तरह से जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। आप देखिए टोल प्लाजा पर पूरी तरह से तैयारियां की जा रही हैं, और एक रूट मैप जो है, एक जो पूरा सेक्शन है उसको खाली कराया गया है ताकि जो काफिला निकलेगा उसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। और बेरोक टोक ये जो पूरा काफिला है वो टोल प्लाजा से गुजर चुके, और गुजरने के वहां पर जो पुलिस जो है उसको भी तैनात किया गया है। पुलिस वहां पर पूरी तरह से तैयार है। लेकिन ये पूरा काफिला, हम आपको बता दें, बांदा मेडिकल कॉलेज से ये काफिला निकला मुख्तार अंसारी का शव लेकर। एम्बुलेंस में ये जो शव है वो मौजूद है, और ये बांदा मेडिकल कॉलेज से काफिला निकला है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे होते हुए ये जो पूरा काफिला है चित्रकूट, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी, और उसके बाद गाजीपुर पहुंचेगा। फिलहाल चित्रकूट ये जो पूरा काफिला है पहुंचा हुआ है, और इसके बाद कौशाम्बी से प्रयागराज की तरफ बढ़ता हुआ ये काफिला। पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं, देर रात तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो धीरे धीरे ये जो पूरा काफिला है गाजीपुर की तरफ बढ़ता हुआ। और संवाददाता धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। धीरेन्द्र, जिस तरह से देखिए आपने अभी एक रिपोर्ट दिखाया, वहां पर तैयारियां कर ली गई हैं, टोल प्लाजा पर तैयारी की गई है, और कहा जाए कि एक्सप्रेसवे से भी पुलिस जो है वो तैयारी कर रही है, वाहनों को रोका गया है, किसी भी तरह का ट्रैफिक जो है वो ना मिले। तो किस तरह से पूरी तैयारियां की जा रही है प्रयागराज, कुछ ही देर में ये जो पूरा काफिला है पहुंचेगा? देखिए, जो मुख्तार अंसारी के शव का काफिला है वो कौशाम्बी जिले में प्रवेश कर चुका है। अब से थोड़ी देर बाद ही कोखराज जो टोल प्लाजा है वो टोल प्लाजा से गुजर कर और प्रयागराज की सीमा में प्रवेश करते हुए हड़िया बाईपास होते हुए भदोही, भदोही के बाद बनारस पहुंचेगा। तो सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। जो रास्ते में थाने पड़ रहे हैं उनको सबको अलर्ट कर दिया गया है।
जो जो रास्ते में थाना क्षेत्र पड़ रहा है, जहाँ से उनकी सीमा की शुरुआत होती है, वहाँ के थाना अध्यक्ष जहाँ तक सीमा की समाप्ति होती है वहाँ तक उसको पिकेट करते हुए गाड़ी ले जाएंगे। उसके बाद आगे की जो थाना क्षेत्र पड़ता है वो थाना अलर्ट पे, तो वहाँ से वो, और अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो पुलिस लाइन से भी पिकेट की एक गाड़ी रवाना कर दी गई है, और जहाँ से प्रयागराज का बॉर्डर शुरू होता है थाना के साथ साथ वो गाड़ी अपने सीमा प्रयागराज का जो डिस्ट्रिक्ट का सीमा है वहां से शुरू करके और वहां तक जहां का तक सीमा की समाप्ति होगी वहां तक वो ले जाके छोड़ेगा। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब से थोड़ी देर बाद ही अब कहा जा रहा है कि ये जो मुख्तार अंसारी के शव का काफिला है वो प्रयागराज की सीमा में प्रवेश करेगा। कौशाम्बी की सीमा में प्रवेश कर चुका है, अब से थोड़ी देर बाद पोखराज सीमा से होते हुए प्रयागराज की सीमा में प्रवेश करेगा। जी, तैयारियां किस तरह से चल रही है अगर देखा जाए, क्योंकि आपने टोल प्लाजा की भी रिपोर्ट दिखाई, वहां पर पुलिस पूरी तरह से, पूरे जिले में कहा जा रहा है जहां से भी ये पूरा काफिला धीरेन्द्र गुजरेगा वहां पर तैयारियां जो है वो पहले से ही की जा चुकी हैं, तो किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं? देखिए, तैयारियों की अगर बात किया जाए तो भारी पुलिस बल रास्ते भर में तैनात कर दिया गया है। जो जो थाना क्षेत्र पड़ रहा है वहां वहां पर पुलिस की अलर्ट कर रखा गया है और रास्ते में भी फोर्स की तैनाती कर दी गई है। अगर हम कोखराज जो टोल प्लाजा की बात करें तो एक लेन पूरी तरीके से आरक्षित कर लिया गया है, उस पर आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है कि जैसे ही उनका काफिला आता है जो आरक्षित लेन है उसी लेन से ही उसको काफिले को रवाना करेंगे। टोल प्लाजा पर भी यहाँ पर सीओ और संबंधित थाना अध्यक्ष और भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है कि किसी भी तरीके की काफिले में जो रुकावट ना आए और रास्ते को पूरी तरीके से खाली कराया गया है। तो तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल है। अब से थोड़ी देर बाद ही प्रयागराज की सीमा में जो मुख्तार अंसारी के शव का काफिला है वो यहाँ पहुंचेगा। जी, जाहिर तौर पर गाजीपुर जल्द से जल्द पहुंचा जाए, इसी को लेकर पूरी तरह से प्रशासन भी कहा जाए कि जो मशक्कत है वो कर रहा है। लेकिन धीरेन्द्र, देखिए कितना वक्त है, आपने कहा कि कौशाम्बी में जो काफिला है वो प्रवेश कर चुका है, प्रयागराज पहुंचने में कितना वक्त और लगेगा, कितने डिस्टेंस वहां से और अंदाज से कहा जाए तो कितना वक्त अभी भी लग सकता है प्रयागराज पहुंचने में? उनका जो काफिला है वो कौशाम्बी जिले में उस रूट पे वो लगातार चल रहा है। अब से बस थोड़ी देर बाद यानी 15 से 25 मिनट के अंदर वो काफिला पोखराज का जो सीमा है जो प्रयागराज वहां से शुरू हो जाएगा, तो टोल प्लाजा है वहां पर पहुंचेगा। तो ये कहा जा सकता है कि 20 से 25 मिनट के अंदर काफिला जो है प्रयागराज की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए गाजीपुर की तरफ बढ़ता हुआ मुख्तार